Good morning, class. This is our new Anna Physio class, in which today we will study about the remaining portion of embryogenesis, that is fetal development. इससे पहले हमने embryogenesis का introduction पढ़ा था, ovum का fertilization और implantation पढ़ा था, उसके बाद early embryonic development पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे amniotic cavity बनती है, कैसे यॉक सैक कैविटी बन रही थी, फिर कैसे आगे जा कर के ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलप हुई थी, न्यूरल ट्यूब बनी थी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना, ये हमने पढ़ा था. अब फीटल डेवलपमेंट कैसे चलता है, तो देखिए प्रीनेटल डेवलपमेंट जो फीटस का है, प्रीनेटल मतलब बर्थ से पहले जो फीटस डेवलप हो रहा है, वो तीन फेजेस में डेवलप होता है, जिसमें पहला ओव्यूलर पीरियड या जर्मिनल पीरियड कहलाता है. ये जो है फर्टिलाइजेशन से लेकर के लगभग 2 हफ्ते तक का पीरियड, ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन से 2 हफ्ते तक का पीरियड ओव्यूलर पीरियड या जर्मिनल पीरियड कहलाता है. इसमें एम्ब्रियोनिक पीरियड और फीटल पीरियड आता है. एम्ब्रियोनिक पीरियड पहले 8 हफ्ते का होता है और फीटल पीरियड उसके बाद के रिमेनिंग जो 30 हफ्ते हो, पूरा फीटल पीरियड है. एम्ब्रियोनिक पीरियड में 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स का डेवलपमेंट होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और यही आगे सभी स्ट्रक्चर्स बनाएंगी और बेसिक बॉडी का प्लान बनाएंगी, और वो जो बेसिक बॉडी प्लान है उसके बाद वो अपनी शेप लेना शुरू करेगा. तो 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स बनती हैं, उन्हीं से सारी स्ट्रक्चर्स बनती हैं और बेसिक बॉडी की शेप बनती है. फीटल पीरियड जो कि बचे हुए 30 हफ्ते में चलता है, इसमें स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन कंटिन्यू ग्रो और डेवलप होते रहते हैं. स्ट्रक्चर ऑर्गन कंटिन्यू ग्रो होते हैं और डेवलप होते हैं, फीटल पीरियड है. अब फीटल लेंथ, शुरुआत के हफ्तों के अंदर अर्लियर वीक्स में इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द मेजरमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स टू द कॉकिक्स. वर्टेक्स से कॉकिक्स तक अपन इसको मेजर करते हैं, मतलब क्राउन रंप लेंथ कहलाते हैं ये. और मिड प्रेगनेंसी के बाद में, अर्ली हफ्ते में तो ये क्राउन रंप लेंथ कहला रही है, मिड प्रेगनेंसी के बाद में मतलब 20वें हफ्ते के बाद में जो फीटस का मेजरमेंट है वो वर्टेक्स से हील तक होता है. पहले तो फीटस का मेजरमेंट वर्टेक्स से कॉकिक्स तक हो रहा है, ये स्ट्रक्चर पढ़ी है ना अपन ने, और उसके बाद मिड प्रेगनेंसी के बाद ये वर्टेक्स से हील तक, तो इसको क्राउन हील लेंथ कहते हैं. पहले क्राउन रंप लेंथ कहा था, इसको क्राउन हील लंप कहते हैं. इस तरह से फीटल की लेंथ बढ़ती है. अब फीटस की एज, लेंथ जो है वो ज़्यादा रिलायबल क्राइटेरिया है. अगर हमें वेट के कंपैरिजन में अगर हमारे को फीटस की एज कैलकुलेट करनी है तो लेंथ से कंपेयर करिए इन स्पाइट ऑफ देयर वेट. वेट मत मेज़र करिए, फीटस की एज पता करने के लिए हम लेंथ को मेज़र करते हैं. अब हाजिस रूल लगाया गया था, एम्प्लॉय किया गया था फीटस की एज को कैलकुलेट करने के लिए. इसकी लेंथ को सेंटीमीटर्स में मेज़र करते हैं और फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं. ये हाजिस रूल कहलाता है कि फीटस की लेंथ को सेंटीमीटर में मेज़र करिए और उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए. अब सबसे पहले फर्स्ट लूनार मंथ, जिसमें फर्टिलाइजेशन से लेकर 2वें हफ्ते तक का एम्ब्रियोनिक ग्रोथ हो रही होती है, फर्टिलाइजेशन से 2वें हफ्ते तक जो एम्ब्रियोनिक ग्रोथ होती है उसको अपन फर्स्ट लूनार मंथ कहते हैं. इस लूनार मंथ में इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो चुका होता है, प्राइमरी कोरियोनिक विल्लाई बन जाती है, एम्ब्रियो डेवलप होकर के 2 सेल लेयर बना लेता है, जो हमने पढ़ी थी बाइलैमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क कहलाती है, एक्टोडर्म एंडोडर्म बनेगी ना जिससे आगे, और एम्नियोटिक कैविटी दिखाई देनी शुरू हो जाती है. ये 4 चेंजेस आएंगे, इम्प्लांटेशन पूरा जाएगा, कोरियोनिक विल्लाई बन जाएगी, एम्ब्रियो के 2 सेल लेयर बन जाते हैं और एम्नियोटिक कैविटी दिखाई देने लग जाती है. लूनार मंथ वो पीरियड होता है जो अपन मेज़र करते हैं मून के मूवमेंट के बेसिस पर, कि मून का मूवमेंट कैसे चल रहा है. भाई लूनार मंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत सारे डेवलपमेंटल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल चेंजेस इसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, लूनार मंथ के ऊपर, ये ध्यान रखिएगा. रफली 28 डेज का होता है लूनार मंथ, तभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की चलती है. तो 28 डेज का लूनार मंथ होता है और ये
एक महीना बनाता है, इट कंसिडर्स अ मंथ इन दैट कॉन्टेक्स्ट. प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ जो है ये, प्रेगनेंसी से भी ये जुड़ा हुआ होता है लूनार मंथ जो है, तो इसलिए हम अपन इसको लूनार मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं. अब दूसरा सेकेंड लूनार मंथ जो तीसरे से छठे हफ्ते तक चलता है, इसमें एम्ब्रियोनिक ग्रोथ तीसरे छठे हफ्ते तक देखी जाती है. छठे हफ्ते के एंड पर, ग्रोथ के छठे हफ्ते के एंड पर एम्ब्रियो जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.2 सेंटीमीटर लंबा हो चुका होता है और उसके आर्म्स और लेग की बर्ड्स, आर्म की बर्ड्स और लेग की बर्ड्स, अभी आर्म लेग्स बने नहीं हैं, केवल बर्ड की फॉर्म में निकले हैं, वो दिखाई देने लग जाते हैं. आर्म बर्ड्स जो होती है वो ज़्यादा डेवलप होती है उसमें, क्योंकि फिंगर की रिजेस भी बन जाती हैं, वो दिखाई देने लग जाती हैं फिंगर रिजेस भी, जबकि लेग तो केवल बर्ड के रूप में ही दिखता है. इसके अलावा थोड़े थोड़े से आँख, नाक, कान भी दिखाई देने लगते हैं, रूडिमेंट्स उसके थोड़े बहुत अंश से दिख रहे होते हैं. प्रिमिटिव इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी इस समय डेवलप हो जाता है. प्रिमिटिव CVS भी फंक्शन करने लग जाता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अपनी फंक्शनिंग करेगा. न्यूरल ट्यूब तो बनी गई थी जो कि आगे क्या बनाती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाती है, क्योंकि चौथे हफ्ते के बाद ये क्लोज हो जाती है और क्लोज होकर के ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा. ये तो अपन ने अपनी लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा ही था. तो छठे हफ्ते के एंड तक एम्ब्रियो 1.2 सेंटीमीटर हो गया, आर्म बर्ड्स की लेग की बर्ड्स बन गई, आर्म थोड़ी ज़्यादा डेवलप होती है, उसमें फिंगर दिखाई देने लगती है, आई ईयर नोज के रूडिमेंट्स दिख जाते हैं, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डेवलप हो जाता है, CVS तो फंक्शन करने लग जाता है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो जाते हैं. अब थर्ड लूनार मंथ जो कि सातवें से दसवें हफ्ते तक की ग्रोथ चलती है, इस पीरियड के मिडल में यानी आठवें हफ्ते का जब मार्क एंड होता है तो एम्ब्रियोनिक पीरियड का मार्क एंड कहलाता है और इसमें फीटल पीरियड शुरू हो जाता है. मतलब एम्ब्रियोनिक पीरियड ख़त्म आठवें हफ्ते तक और फीटल पीरियड शुरू. इस हफ्ते पर, इसके दसवें हफ्ते के ग्रोथ के दसवें हफ्ते की एंड पर फीटस 6.1 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है, क्राउन टू रंप आप जब इसको मेज़र करते हो, और वेट हो जाता है इसका 14 ग्राम का इसका वजन, और 6.1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बन जाती है क्राउन टू रंप. एक्सटर्नल जिनाइटेलिया दिखने लग जाते हैं इसमें. इस मंथ के मिडल में सारे मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं और सिस्टम्स बन जाते हैं. इस मंथ के एंड में सारे मेजर ऑर्गन्स और सिस्टम्स बन जाएंगे. हार्ट 4 चैम्बर का बन जाता है सातवें हफ्ते पर, 4 चैम्बर हार्ट बन जाएगा अच्छे से, और फीटस जो है वो ह्यूमन जैसा दिखाई देने लग जाता है, ह्यूमन अपीयरेंस आ जाती है, पता चलता है ये ह्यूमन का फीटस है. बोन ऑसिफिकेशन यानी हड्डियों का निर्माण भी शुरू हो जाता है, हड्डियों का निर्माण ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, और रूडिमेंट्री किडनी जो है वो यूरिन तक को सीक्रेट करने लग जाती है. हमने कहा सारे सिस्टम्स तो बन ही चुके हैं, अब यूरिन का सीक्रेशन भी इस पीरियड में हो चुका हो जाता है, यूरिन बनने लग जाता है. ठीक है, तो आठवें के हफ्ते के मिड में एम्ब्रियोनिक पीरियड के, आठवें हफ्ते के एंड में एम्ब्रियोनिक पीरियड तो ख़त्म, फीटल पीरियड शुरू, बच्चे दसवें हफ्ते के एंड तक तो 6.1 सेंटीमीटर लेंथ का, 14 ग्राम का वेट, एक्सट्रा जेनिटेलिया बन जाएंगे, सारे ऑर्गन और सिस्टम बन जाते हैं, हार्ट 4 चैम्बर का सातवें हफ्ते पर ही बन जाता है, फीटस ह्यूमन जैसा दिखाई देने लग जाता है, हड्डियाँ मजबूत होने लग जाती हैं, मजबूत मतलब हड्डियों की तरह बन जाती हैं वो, और किडनी जो है वो यूरिन बनाने लग जाएगी. अब फोर्थ लूनार मंथ जो कि 11वें से 14वें हफ्ते तक का होता है, इसमें ओल्ड फीटस कहलाता है, क्योंकि इससे पहले तो फीटस बना था, अब ओल्ड फीटस. तो 14वें हफ्ते के एंड पर, ग्रोथ के एंड पर फीटस जो है वो 12 सेंटीमीटर बन जाता है क्राउन टू रंप लेंथ में, और 110 ग्राम का इसका वजन होता है. क्राउन टू रंप लेंथ है 12 सेंटीमीटर का और 110 ग्राम का ये वजन इसका होता है. हेड इसका इस समय इरेक्ट हो चुका था, इससे पहले झुका हुआ रहता है इसका सर, अब ये सीधा हो जाता है, और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ यानी पैर वगैरह भी अच्छे से डेवलप हो जाते हैं. पहले तो हमने कहा ना लेग की केवल बर्ड्स बन रही है, यहाँ पर अच्छे से लेग जो है वो डेवलप हो जाएगा. ठीक है, हार्ड पैलेट और नेजल सेप्टम भी जो है वो फ्यूज़ हो जाएंगे. हार्ड पैलेट पड़ी थी ना अपन ने,
अपन जब माउथ वगैरह पढ़ रहे तो हार्ड पैलेट और नेजल सेप्टम अच्छे से फ्यूज हो जाएंगे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल और फीमेल को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इस समय फोर लूनार मंथ में। और आईलिड्स जो हैं वो सील हो जाएंगी, बंद आंखें आईलिड्स बंद हो जाती हैं। तो ये चौथे यानी फोर्थ लूनार मंथ में चेंजेस दिखाई देते हैं आपको। नाउ फिफ्थ लूनार मंथ जो कि 15 से 18वें हफ्ते का ओल्ड फीटस होता है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए बच्चों, अच्छे से एम्ब्रियोजेनेसिस को याद करिए। ये आपके ऑब्स गायनी का भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है और आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम तो उसमें बहुत इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें 18वें हफ्ते की ग्रोथ के एंड पर फीटस 16 सेंटीमीटर का हो चुका होता है क्राउन रंप लेंथ में और 320 ग्राम का हो चुका होता है। फीटल स्केलेटन का ऑसिफिकेशन इतना अच्छे से हो जाता है कि आपको एक्सरे में दिखाई देता है। ईयर्स जो होते हैं वो हेड पर एकदम साफ खड़े हुए दिखाई दे रहे होते हैं। फीटस सकिंग मोशन करने लग जाता है और एमनियोटिक फ्लूड को स्वेलो करना भी स्टार्ट कर देता है। चूसना और निगलने का प्रोसेस उसके अंदर स्टार्ट हो जाता है फीटस में, सकिंग और स्वेलोइंग। और फीटल मूवमेंट को माँ जो है महसूस कर सकती है इस महीने के एंड पर। तो आपने मूवीज टीवी सीरियल्स में ये वाला डायलॉग सुना है कि अरे बच्चा लात मार रहा है, तो वो जो लात मार रहा है वो महसूस इस महीने के एंड में जो है वो मदर महसूस करती है। बच्चे का जो फीटल मूवमेंट है वो फील किया जा सकता है इस महीने के एंड पर। ये फिफ्थ मंथ हो गया, ठीक है। अब जो रिमेनिंग मंथ हैं सिक्स्थ मंथ तक अपन पढ़ लेते हैं, बाकी अपन अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सिक्स्थ लूनार मंथ 19 से 22वें हफ्ते का ओल्ड फीटस होता है। तो देखो कितना क्लियर फीटस दिखाई दे रहा है। 22वें हफ्ते की ग्रोथ के एंड पर फीटस 21 सेंटीमीटर का क्राउन रंप लेंथ में हो जाता है, 630 ग्राम का इसका वेट हो जाता है। वर्निक केसियोसा जो है वो स्किन को कवर कर लेती है। वर्निक्स केसियोसा स्किन को कवर कर लेगी, एक कवरिंग होती है। और हेड और बॉडी के हेयर जो है इसमें दिखाई देने लग जाते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं लेनिगो कहते हैं। हेड और बॉडी के हेयर इसमें अपीयर होने स्टार्ट हो जाएंगे, उसको लेनिगो कहेंगे। स्किन के ऊपर वर्निक्स केसियोसा की कवरिंग आ जाती है, स्किन जो है रिंकल्ड और रेड कलर की हो जाती है। ये बच्चा जब पैदा होता देखा करो वो ऐसा स्मूथ सा नहीं होता जैसे आपकी स्किन है, वो रिंकल 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 से उसकी स्किन होती है। तो लाल रंग के रिंकल्ड स्किन बन जाती है। ब्राउन फैट जिसको आप एडिपोज टिश्यू कहते हो, ये इंपॉर्टेंट साइट है जहाँ से उसमें हीट प्रोडक्शन होता है। ये नेक और स्टर्नल एरिया के अंदर दिखाई देता है। तो ये इस पिक्चर के अंदर एक्चुअली ये नेक और स्टर्नल एरिया में ब्राउन फैट दिखाया गया है आपको। तो ये सिक्स्थ लूनार मंथ के एंड पर बनता है। बस ठीक है, इतना काफ़ी है, बाकी रिमेनिंग अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। अभी इसके अंदर और थोड़ा सा डेवलपमेंट बाकी है, तो उसके साथ ही आपका एम्ब्रियोजेनेसिस नाम का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू क्लास।